Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप लोग जीना चाहते हैं, जैसे ज़िंदगी आप लोग चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आप सभी को मिले. आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लग्जरीज हो. वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आगे आने वाले टाइम में, इन द नियर फ्यूचर, चाहे 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आपके लव लाइफ में कौन इंटर करने वाला है, हु इज़ कमिंग इन टू योर लव लाइफ, और आगे आने वाले समय में आपकी लव लाइफ आपको क्या कुछ सिखा कर जाने वाली है, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, ठीक है. ईश्वर जो है किसको भेज रहे हैं आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में, आपके लाइफ में. और मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आपके लाइफ में आने वाले इंसान है, क्या ये कोई पास्ट के पर्सन होंगे या कोई प्रेजेंट के ही पर्सन है जो कि आपके लव लाइफ में एंटर कर जाएंगे, आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे, आपके क्रश के बारे में भी देख लेंगे. उसके साथ साथ ये कोई न्यू पर्सन भी अगर होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगी. ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक से ज़्यादा आपके लाइफ में आ रहे हो, ठीक है. तो किस तरह का बाउंडिंग आपका क्रिएट होने वाला है लव लाइफ में, जैसे कि कोई कार्मिक बाउंडिंग अगर क्रिएट होगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगी, अवेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, बचे हुए रहे. अगर कोई कार्मिक नहीं आ रहा तो हो सकता है सोलमेट आए, कोई ट्विन फ्लेम आए, तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम के लिए आप अवेयर होने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है और कौन आने वाला है. कोई कार्मिक पार्टनर तो नहीं आने वाले, या फिर कोई सोलमेट तो नहीं आने वाले, कोई ट्विन फ्लेम तो नहीं आने वाले, कोई डिवाइन काउंटर पार्ट. तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको पता चलेगा, मतलब कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, क्या नेम इनिशियल होगा, उनकी खुद की पर्सनालिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, एंड बहुत सारी बातें. लव लेटर हो गया, ठीक है, उनके प्रोफेशन हो गए, और आप दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और डिवाइन गाइडेंस, लव टिप्स, सब कुछ यहाँ पे आपको पता चलेगा. और यहाँ पे एक बात यह है कि कैंडल वैक्स रीडिंग होगी ऑन पेपर, ठीक है. तो डिटेल रीडिंग आपकी हर तरीके से मैं आपको देने वाली हूँ. इसलिए आप सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है. किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या कुछ भी हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत आराम से, बहुत ईजिली बुक कर सकते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा. फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, नंबर नहीं देती हो, और कोई भी रीडिंग ले सकते हो, किसी और के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हैं. ये रीडिंग तो वैसे टाइमलेस होगी, आप शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा आपका कर्म. और मेल हो, फीमेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, सभी का पूरा हक बनता है कि वो जाने कि उनके लव लाइफ में आप कौन आएंगे. तो देखिए आप सभी लोग एंड पूरा देखिएगा, कभी भी कुछ भी कार्ड के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा. ओके, किसी को नज़र में रख के भी देख सकते हैं. सो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है. मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट करें. तो सबसे पहले अगर आपका बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी किसी भी मंथ में. एंड यहाँ पे देखिए, पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का. दिस इज़ फॉर पाइल 1, द स्ट्रेंथ. पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है, ऑफकोर्स पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी. एंड यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है द एम्परर का. दिस इज फॉर पाइल 2. सो अब आप इंटिट्यूवली सेलेक्ट कर लीजिए भगवान ईश्वर जी, जैसे अल्लाह वाहिगुरु. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे. अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे. हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं. 1 से 15 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल द स्ट्रेंथ कार्ड को. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि आपके लव लाइफ में जो इंटर करने वाले पर्सन हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे आपकी टैरो कार्ड्स के थ्रू रीडिंग होगी, फिर कैंडल वैक्स रीडिंग भी होगी, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर आप सभी लोग बन जाइए. एंड देखिए, पहला कार्ड ही इतना ज़बरदस्त कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स. मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ और आप सभी लोग जल्दी से अलाइन हो जाइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके. अगेन फिर से बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है,
द मैजिशियन की एनर्जी है. प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स. पर्सनल डिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है. किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ विब्रेशन हो, एंड दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत आराम से, बहुत ईजिली बुक कर सकते हैं. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से शुरू करेंगे आपकी रीडिंग. देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपके लव लाइफ में आने वाले इंसान हैं, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मेरे लव लाइफ में आएंगे, कहीं मेरे कार्मिक तो नहीं है, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं करेंगे. पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आपके लव लाइफ में आने वाले इंसान हैं, शायद उनके साथ ही खुद बहुत ही ज़्यादा धोखा हुआ है, शायद उनके साथ ही खुद बहुत ज़्यादा बिट्रेयल हुआ है. ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक अगर देखते हैं तो दो कार्ड यहाँ पे है, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी. मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ. सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत टैलेंटेड है और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है ज़रूर. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, सॉफ्ट हार्टेड कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसे ऐसे लोग मिले अपने लाइफ में जो कि इनके साथ धोखा किए, बिट्रेयल किए, इनको अबंडन कर दिया, इनको अपने लाइफ से दूर कर दिया या फिर अपने ग्रुप से दूर कर दिया. ऐसा हो सकता है कि ये वर्क करते होंगे, काम करते होंगे, और इनको उस वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल का सामना करना पड़ा होगा. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक इनकी लाइफ ऐसी है जैसे कि कांटों पे चल के ये पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़े हो. ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ. उसके बाद यहाँ पे धोखा तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है. ठीक है, मतलब ये जिसको अपना माने वो तो धोखा किए ही किए, साथ साथ इनको बहुत बुरे तरीके से अपने लाइफ से आउट किया गया है. ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. तो ये वो इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा टूटे हैं अपने लाइफ में, बिखर चुके हैं. ठीक है, और इवन ऐसा भी हो सकता है कि इनके फैमिली ने भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया. तो ये वो इंसान हो सकते हैं जो कि अकेले रहते हो, खुद का खाना बनाते हो, ठीक है, प्रिपेयर करते हो, खुद को खिलाते हो, फीड करते हो, खुद को ही, ठीक है, एंड खुद को ही पैम्पर करते हो, अपना ख्याल रखते हो. तो ऐसी जर्नी इस पर्सन की रही है. 10 साल भी हो सकता है कि ऐसे जर्नी से ये पर्सन गुजरे हो, या 10 महीने भी हो सकता है, लेकिन एक लंबी जर्नी जिससे ये गुजरे हैं. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं हो रही कि लव लाइफ इनका ख़राब रहा है. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया. ठीक है, तो ये मे भी आपकी भी थोड़ी बहुत एनर्जी हो सकती है, या फिर इनकी तो डेफिनेटली होगी ही होगी. तो ये अपने लाइफ में कुछ चाहते हैं, ये अपने लाइफ में एक ऐसा लव लाइफ, एक ऐसे पार्टनर को चाहते हैं जो कि इनको समझे, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो और समझदार हो, जिसको समझाना और सिखाना ना पड़े. ठीक है, तो ये अपने लाइफ में वैसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जो इनके साथ धोखा ना करे, जो इनको अकेला ना छोड़ दे, जो इनको पैम्पर करे, समझे, सपोर्ट करे. इनकी लाइफ मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कांटों से भरी हुई दिखाई दे रही है. कांटों पे चल चल के जैसे कि ये पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़े. ठीक है, पैर में कांटे चुभ रहे हैं, फिर भी आ तक नहीं किया, बस उस कांटे को निकाल दिया, फेंक दिया, फिर आगे बढ़ने लगे. तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रगलिंग भरा इस पर्सन का लाइफ रहा है, बहुत चैलेंजिंग इस पर्सन का लाइफ रहा है, ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा टूटे हैं. तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आप दोनों के बीच में शुरुआत हो सकती है. जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो सबसे पहले अपनी सारी जो भी इनकी स्टोरी रही है वो सारी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि देखो मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ. ठीक है, लोगों ने मुझे इस तरीके से व्यवहार किया, मेरे साथ मुझे तोड़ के रख दिया. तो आप बहुत ज़्यादा इससे इमोशनली कनेक्ट होते चले जाओगे. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पर्सन का जोडियक साइन की अगर बात की जाए तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है. देखिए, आपके जो लव लाइफ में आने वाले इंसान हैं वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करने वाले, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देने वाले. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि धोखा क्या होता है, तकलीफ़ क्या होता है, प्यार कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सब इनको बहुत अच्छे से आता है. ठीक है, तो आप इन फ्यूचर अब जिसके साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन होंगे, मैच्योर के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल इंसान होंगे. तो मे भी ऐसा हो सकता है, मतलब 1000% चांसेस है कि एक ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हैं जो कि बहुत डिवोशनली डिवोटेड होकर जैसे आपका डिवोटी बन गया हो और उस तरीके से आपको प्यार करे. अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर शायद उतनी क्वालिटीज़ नहीं है, पता नहीं मैं डिज़र्व करती हूँ, पता नहीं मैं डिज़र्व करती हूँ तो मुझे कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. आपको मिलेगा, आपकी ही यहाँ पे रीडिंग हो रही है.
ठीक है, यस डेफिनेटली आपके डेस्टिनी में लिखा है कि कोई ऐसा इंसान है और ये बहुत जल्दी आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स भी लग सकता है, लेकिन आएंगे ज़रूर, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिवोशनली प्यार करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की दिन की शुरुआत आपको देखे बिना हो ही ना, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि दिन की शुरुआत आपसे ही करें, ठीक है, बात करके या आपको देखकर, क्योंकि अब तो ये सब बहुत इजी है, वीडियो कॉल करना या टॉकिंग, बात करना, कॉल करना, तो ये सब तो नॉर्मल होगा। तो आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे और अपनी दिन की, हर एक दिन की शुरुआत, जैसे आपके साथ शामिल हो गए, रिलेशनशिप में आ गए, तो फिर अपने दिन की शुरुआत आपसे ही करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लव लाइफ आपकी होगी उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए पक्के रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा है कि आपके दोनों के रास्तों में, ठीक है, जैसे ये जो लव लाइफ आपका चलेगा उस रास्ते में बहुत ज़्यादा कोई जैसे कांटा बिखेर दे रहा है, ठीक है, और उस कांटों पे चल के आप दोनों को आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग भरा हो सकता है। लेकिन स्ट्रगल करना तो बनता है ना, क्योंकि जब इतना प्यार करने वाले, इतने मैच्योर पर्सन आपको मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा आपको पैम्पर कर रहे हैं, तो क्या ही दिक्कत है। तो एक बहुत अच्छे इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन को फ्लावर्स बहुत पसंद होगा, ठीक है, और फ्लावर्स ये चाहते नहीं होंगे कि आप इनको फ्लावर्स दें या गिफ्ट दें, बल्कि इनकी ये इच्छा होगी कि कोई मेरे लाइफ में ऐसा इंसान आ जाए जिसके ऊपर मैं अपनी सारी चीज़ें निछावर करूं, मैं अपने पैसे खर्च करूं, स्पेंड करूं, मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट्स कर दूं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कभी ये पर्सन आपको शॉपिंग मॉल लेके, हो सकता है शॉपिंग पे चले जाएंगे मॉल वॉल के लिए, ठीक है, मॉल वॉल चले जाएंगे और बहुत सारे ड्रेसेस आपको दिला दें, या आपके जो भी पसंद की चीज़ें हैं आपको बोलेंगे पसंद करो और वो ख़रीदते चले जाएं। तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन आपको पिंक कलर के या ब्लैक कलर या ब्राउन कलर के ड्रेसेस में बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इनका फेवरेट कलर ब्राउन, मरून, पिंक, वाइट, सिल्वर कलर, ठीक है, या फिर पिंक भी हो सकता है या रेड भी हो सकता है। तो उनकी इच्छा होगी कि जो मेरे पार्टनर हो वो इस तरीके के, मतलब ड्रेसेस में, कलर के ड्रेसेस में आए, ठीक है। और यस, ऐसा हो सकता है कि कोई पिक्चर, ऐसी पिक्चर है आपकी जो कि पिंक कलर की है, ठीक है, ड्रेसेस में, या ब्लैक है या ब्राउन है या मरून है, या आपके हेयर का कलर भी ब्लैक या ब्राउन हो सकता है, तो वो भी इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन कैसे होंगे और लव लाइफ कैसी हो सकती है, तो देखिए, आपके जो पर्सन हैं वो थोड़े से कंट्रोलिंग होंगे। जो आपने कार्ड चूज़ किया है द स्ट्रेंथ, ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के होंगे, लेकिन कंट्रोल भी किस वे में करेंगे वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। कुछ गलत थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया ने तो बार बार मेरी खुशियाँ छीनी है, हर बार मेरी खुशियाँ छीन ली है, ठीक है, मतलब हो सकता है कि इनकी खुशियाँ बार बार छीनी गई है इनके दोस्तों के द्वारा, इनके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स के द्वारा। लेकिन अब ये चाहते हैं ना कि अगर मुझे कोई मिले जो प्यार करने वाला मिले, तो इनके मन में एक डर होगा कि आप इनको छोड़ ना दो या फिर कोई आप दोनों को अलग ना कर दे, इसीलिए ये पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग हो जाएंगे। मतलब ये पर्सन आपके लिए कंपैशनेट होंगे, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार होगा, बहुत सारा दया होगा, हर एक चीज़ होगा, बहुत अच्छे से ये पर्सन आपको ट्रीट करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये हो जाएगी कि आपके पर्सन थोड़े से डोमिनेंट रहना चाहेंगे, थोड़े से कंट्रोल करेंगे, थोड़े से आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि ये गलत है, ये सही है, इसलिए आपको लगेगा कि ये तो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, पर आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। इनके मन में डर रहेगा आपको खोने का, सिंपल सी ये बात दिखाई दे रही है। अगर अभी की इनकी पर्सनैलिटी देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही मस्त मौला, बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी को जीने वाले ये मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कैसे, तो इनको अब किसी से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ खुद से, ठीक है, और इनसे जुड़े हुए जो भी इनके छोटे मोटे या कुछ भी एक दो वेलविशर हैं उनके साथ ही ये कनेक्टेड रहते हैं, इनके बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल भी नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे सिक्योर पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होंगे, और जितने सिक्योर ये पर्सन है उतनी ही ज़्यादा आपकी लव लाइफ भी मुझे सिक्योर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो डोमिनेंट अगर बात की जाए कि डोमिनेंट कौन होगा, देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। वैसे तो ये पर्सन आपको हमेशा समझाते रहेंगे, बुझाते रहेंगे कि हाँ ये समझ लो, वो समझ लो, लेकिन कभी इनसे कुछ गलती हो जाएगी तो तुरंत घुटनों के बल बैठ के माफ़ी मांग लेंगे, तुरंत अपने कान को पकड़ लेंगे दोनों हाथों से,
ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन घमंडे नहीं होंगे, आपके पर्सन का डोमिनेंट एनर्जी नहीं होगा, पर इनको बनना पड़ेगा ताकि आप इनसे दूर ना हो जाओ, आप इनको छोड़ ना दो। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, ये आपके बहुत सारे ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। साथ साथ इनको कुछ म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा म्यूज़िक प्ले करते हैं, मे बी म्यूजिशियन वगैरह भी हो सकते हैं, मतलब म्यूज़िक में इनके फैमिली का या इनका कुछ ना कुछ नाम तो होगा, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। म्यूज़िक में हो सकता है इन्होंने बहुत नाम कमाया हो सकता है इन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंस किए हो अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज के टाइम में, और ये बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अब बताऊँगी कि आप दोनों का जो फ्यूचर है, मतलब कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, तो कैसे आएंगे, कैसे इंटर करेंगे, आप दोनों की शुरुआत कैसे होगी। तो जल्दी से सभी लोग यहाँ पे 999 या 11111 या 12 12 12 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि ये आपका एंजेलिक नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई शो हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है कि पर्सन एक यूट्यूबर भी हो सकते हैं, हो सकता है ये पॉडकास्ट वगैरह करते हो, ठीक है, या फिर ये पर्सन स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी एनर्जी इस पर्सन की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप सभी लोगों को रहना है पॉजिटिव, क्योंकि अब यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ, ठीक है, कि किस तरीके से ये पर्सन आपका ख्याल रखेंगे, कैसा हो सकता है रिश्ता। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लव लाइफ में जो आने वाले पर्सन हैं वो कैसे होंगे, कैसा होगा नेचर, कैसी होगी पर्सनालिटी। ओके, मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे 5 साइन दिखाई दिए, 5 साइन यहाँ पे ऐसा बना है जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन जितना बोलेंगे उससे ज़्यादा ये पर्सन करके दिखाएंगे, केयर करेंगे। क्योंकि जब यहाँ पे मैंने रीडिंग की आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग पेपर पे, तो 5 साइन बने एंड 5 साइन कुछ कुछ पॉइंट बता रहे हैं, क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ही और शी ऑलवेज रश टू रिस्पॉन्ड टू योर टेक्स्ट मैसेजेस। अगर आप मैसेज कर रहे हो, आप इनको कॉल कर रहे हो, ये पर्सन हमेशा मतलब हड़बड़ी में रहेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो रिप्लाई करना है, चाहे कितने भी बिजी रहेंगे ये पर्सन जो है तुरंत रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब इनके लिए, जैसे कि आप इनके लिए लाइक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, ये खोना नहीं चाहेंगे आपको, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, जो भी इनको आता है सब कुछ आपके साथ कर रहे हैं, सब कुछ आपको दिखा रहे हैं, मतलब पूरे तरीके से आपको ये पर्सन इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे अपने तरफ से, ठीक है। ये कभी भी आपको किसी भी तरीके से फॉर ग्रांटेड नहीं लेने वाले, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये पर्सन ही इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ बींग विथ यू, आपके साथ जब होंगे, आपके साथ जब रहेंगे, आपके हाथों में हाथ थाम के जब ये बैठे हुए रहेंगे या कहीं भी हो, ये आपके साथ होने में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। ही इज़ ऑलवेज या ही विल ऑलवेज प्राउड ऑफ बींग विथ यू, ठीक है। तो ये चीज़ है, कभी भी इनसे आप बहस या लड़ाई मत करना कि आपको प्यार करते हैं या नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे और ये बहुत ही डिफरेंट लेवल पे आपको पैम्पर करने वाले हैं। ही ऑलवेज डज हिज पार्ट इन मेकिंग श्योर दैट यू नेवर फील लाइक ही इज़ अशेम्ड ऑफ यू। ये पर्सन जो है ना, मतलब कभी भी आपको एम्बेरस्ड नहीं फील कराने वाले, और ये खुद भी कभी भी आपके वजह से एम्बेरस नहीं फील करेंगे, ये तो आप पे प्राउड फील करेंगे। ये हमेशा मतलब मेक श्योर कर लेंगे कि तुम कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे वजह से एम्बेरस फील कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरे जैसे कि आपको लेकर जाएंगे, आपका हाथ थाम के जाएंगे, पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि देखो ये मेरी पार्टनर है, ठीक है। तो ये वाली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आपका ऐसा दिल करता है कि कोई मुझे छुप छुप के प्यार ना करे, कोई मुझे पूरी दुनिया के सामने प्यार करे, दिखाए कि हाँ मैं उनके लाइफ में हूँ और वो मेरे लाइफ में है। ऐसा हो सकता है कि पहले भी आप किसी रिश्ते में रहे हो, रिलेशनशिप में रहे हो, जिसमें कि किसी ने आपको प्यार किया, किसी ने आपको पैम्पर किया, लेकिन पूरी दुनिया से छिपा के, तो इट मीन्स कि वो अशेम फील करते हैं या एम्बेरस फील करते हैं आपके साथ, ऐसा रहा होगा। लेकिन ये पर्सन आपके साथ एम्बेरस नहीं फील करेंगे, ये पर्सन आपके साथ बहुत प्राउड फील करेंगे, ठीक है। ये हमेशा चाहेंगे कि आपको मतलब बाहर लेकर पब्लिक में जाएं, पूरी दुनिया आपको देखे, आप दोनों को साथ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स देख पा रही हूँ, सो क्लैरिफाई कीजिए गॉड।
जो भी मैं पॉइंट्स देख रही हूँ उसको क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा, जो भी एनर्जी पावर मैसेजेस दे रहे हैं उसको क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ही और शी जो भी है, ठीक है अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर आपके पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रखने के लिए या आप इनके साथ सेफ फील करें उसके लिए ये जो पर्सन है, या फिर रिलेशनशिप की सेफ्टी के लिए ये अपना पूरा 100% या कह सकते हैं 1000% या इनफाइनाइट अपना एफर्ट देने वाले हैं। ठीक है, ये कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये ठीक कर लो तुम अपने अंदर, वो ठीक कर लो तुम अपने अंदर, क्योंकि आप इनको शुरू से ही बहुत मैच्योर लगोगे, तो इनको कुछ सिखाने की या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमेशा मतलब प्यार ही फील करेंगे और आपके इम्परफेक्शन, जो भी आपके अंदर कमी है, फ्लॉज है, उसको भी ये बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है, जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा, इनको ऐसा लगेगा कि अब ये गलत हो रहा है, तब ये पर्सन आवाज़ उठा सकते हैं, आपको बता सकते हैं और आपको चेंज करने की कोशिश उस वक्त कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा गलत राह पे रहोगे। तो यहाँ पे किस तरह का लव है, किस तरह का प्यार होगा, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसा कनेक्शन है बताइए गॉड। मुझे यहाँ पे ट्विन सोल दिखाई दे रहे हो आप लोग, ट्विन सोल हो सकते हैं आप लोग। दूसरी बात, यहाँ पे कैसा प्यार है, कैसा रहेगा, कुछ कंसिस्टेंसी बनी हुई रहेगी या नहीं, ऑन ऑफ करेंगे ये पर्सन? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो हमेशा आपसे बात करेंगे। मतलब सोच के देखिए, जब ये पर्सन अपनी दिन की शुरुआत आपके साथ कर रहा है, आपको देख कर कर रहा है, तो आप इनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो ये हर वक्त अपनी दिन की शुरुआत आपको लेकर ही करेंगे, काफ़ी काइंड लव एंड कंसिस्टेंट लव होगा। ठीक है, इनके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं होगा, और जो भी अगर चेंजेस होगा भी तो एक अच्छा बदलाव होगा। अपोलोजाइज करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन रहेगी, फ्लर्ट भी कर सकते हैं, फ्लर्टी हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल इंटीमेसी बहुत होगा, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा होगा। और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इनको किस करना बहुत पसंद होगा, और किस पे, तो फोरहेड पे किस करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल कनेक्शन आपके साथ नहीं बनाना चाहेंगे, ये पर्सन नॉर्मली आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहेंगे, और यहाँ पे आपके लिए बहुत फटाफट कुछ ना कुछ काम करते रहना इनको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपके लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे, अपने ओपिनियन को चेंज कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, बहुत रोमांटिक भी नहीं है लेकिन हो जाएंगे। ठीक है, अपने लेवल को बढ़ाएंगे, एकदम क्लासी ये पर्सन हो सकते हैं, और भी आपके साथ रहते रहते हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ पे ये पर्सन, मतलब आपका रेसिडेंस जहाँ है, या कहीं आप शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। कोई लीजर टाइम है, खाली टाइम है, उस दौरान भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी होगी, अपने टैलेंट को शो करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे और इंथुजियाज्म कूट कूट के भरा होगा, काफ़ी एक्टिव इंसान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि तेज़ी से आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये किस वे में मतलब इनएक्टिव होंगे, बहुत एक्टिव होंगे। ठीक है, ये पर्सन कभी भी यलिंग नहीं करेंगे, आपके ऊपर चिल्लाएंगे नहीं, ठीक है, गुस्से में नहीं होंगे। ये सब मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आप समझ जाएँ कि जो पहला रिलेशन आपका रहा था या कुछ ऐसा रहा या कभी आपने सोचा भी नहीं, ठीक है, वो सब आपके लाइफ में नहीं होगा। एकदम ब्यूटिफुल फुल स्टोरी होगी, ब्यूटिफुल आप दोनों का कनेक्शन होगा, ये आपके साथ कभी बिट्रायल नहीं करेंगे। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कोई किसी का भरोसा दिला के, कोई किसी के साथ कैसे बेमानी, कोई कैसे किसी के साथ बिट्रायल कर सकता है, लेकिन ये पर्सन कभी नहीं करेंगे। आपकी वर्नेबिलिटीज़ को समझेंगे, आपकी चीज़ों को समझेंगे, कभी गॉसिप नहीं करेंगे आपके बारे में, अच्छी ही बातें करेंगे दोस्तों से, कभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपके आने के बाद इनके कुछ भी अगर छोटे मोटे टॉक्सिक हैबिट्स हैं वो भी मुझे ऐसा लग रहा है बदल देंगे, चेंज कर देंगे। अब और देखेंगे एनर्जी कि फ्यूचर कैसा होगा, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओवरऑल फ्यूचर बता दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है शादी हो सकती है, बहुत ही मतलब जितने ज़्यादा मतलब प्यार है उतना ज़्यादा शादी होने के चांसेस है। ठीक है, जब इतना प्यार कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, आप इनको मिल गए हो, ये खुद सामने से आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। आप दोनों का बहुत कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है अभी आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप से निकलने के बाद कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। मुझे न्यू पर्सन की एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए और कैसे
बाकी सारे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, कैसे किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, कैसे रिस्क टेकर बनना चाहिए, ये सब इनसे सीखोगे। ठीक है, अगर आप आलस करते हैं तो आपके आलस भी ख़त्म हो जाएंगे, उसके साथ साथ अगर आप निगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो आपके निगेटिव सेल्फ टॉक भी ख़त्म हो जाएंगे। ये सब क्यों होगा? क्योंकि एक अच्छा इंसान, नॉन टॉक्सिक इंसान आपको मिल रहा है। ठीक है, पहले आप बहुत टॉक्सिक लोगों के बीच में रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आप अच्छे लोगों के बीच में होगे, इनसे जुड़े हुए लोग भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छे दोस्त भी आपको मिल सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को बेटर बनाने में, अच्छा बनाने में हेल्प करेंगे। तो मतलब इतना आप जान लीजिए कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव इंसान है। ठीक है, और प्रोग्रेसिव जो होगा वैसी ही अगल बगल की चीज़ें भी होंगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, हमेशा कभी भी आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ तो ये एक गुड लिसनर होंगे। ठीक है, अगर आप डरते हो अपने सेंसिटिव साइड को दिखाने में, तो इनके सामने खुलकर अपने सेंसिटिव साइड को भी दिखाओगे। वैसे अगर इनकी बात की जाए तो इनको एनिमल्स बहुत पसंद है, एनिमल्स से प्यार करते हैं, चिल्ड्रन बहुत पसंद है, इनको एडवेंचर से लव है। ठीक है, ये अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं उससे कुछ ना कुछ मोरल लेते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, वैसे ही कुछ काम करते हैं, फालतू का समय बर्बाद नहीं करने वाले इंसान हैं। उसके बाद ये पर्सन जो है लोगों को समझते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। ओके, देन यहाँ पे मैं आपको और भी कुछ बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये कभी भी किसी के सामने प्लीज़ नहीं करते। ठीक है, अब तो बिल्कुल नहीं, पहले बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन आपके सामने ये फिर से एक बच्चे की तरह हो जाएंगे, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा और आप दोनों की शुरुआत एक अच्छे दोस्ती के साथ, क्लोज फ्रेंड जैसे हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कार्ड्स से और क्लैरिफाई करेंगे, 2 कार्ड्स लेंगे एंड डायरेक्टली एंजल्स के थ्रू देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे प्योर इंटेंशन, दैट्स ग्रेट। जो भी अब आपके लाइफ में आने वाले इंसान है, उस इंसान का इंटेंशन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्योर होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और क्या है? होप। देखिए, आपके अंदर कहीं ना कहीं होप है, आपके अंदर कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि कोई मुझे प्यार करने वाला, कोई पैम्पर करने वाला इंसान मिले। तो यस, डेफिनेटली एक रेनबो की तरह ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, आपके लाइफ को बिल्कुल रेनबो की तरह ब्यूटीफुल, कलरफुल बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, या मैं कुछ भी अपने मन से तो नहीं कह रही, यहाँ पर आप खुद ही एनर्जी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी उम्मीदें हैं, जो भी होप है कि मुझे कोई अच्छा इंसान मिलेगा या नहीं मिलेगा, एकदम डेफिनेटली मिलेगा, आपके सारे विशेस पूरे होंगे। मे बी ऐसा हो सकता है वर्क प्लेस में मिले इस पर्सन के साथ, आप टीम वर्क करो। जो भी है, इस पर्सन का इंटेंशन बहुत प्योर होगा और ये पॉजिटिव पर्सन होंगे, पॉजिटिव वन, ट्विन सोल होंगे आपके। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो भी आपके ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन है अपने लव लाइफ को लेकर, या फ्यूचर में जो आने वाले पार्टनर हैं उनको लेकर, वो सब ये पूरा करेंगे। जो भी उम्मीदें हैं, देखते जाओगे, धीरे धीरे देखते जाओगे, अरे ये वाले ड्रीम भी पूरे हो गए, अरे वो वाले ड्रीम भी पूरे हो गए। किसके वजह से? तो आपके न्यू पर्सन के वजह से। देखते हैं कि कौन से स्टेट के हो सकते हैं आपके पर्सन। सबसे पहले ये पर्सन वेस्ट बंगाल के हो सकते हैं। ठीक है, मैं बताते जा रही हूँ, आप एकदम अच्छे से सुनिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सन डे के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पर शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, यहाँ से भी हो सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हो सकते हैं आपके पर्सन। मे बी ये पर्सन सिक्किम के हो, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, और देखते हैं, मे बी ये पर्सन तमिलनाडु के भी हो सकते हैं, और देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन राजस्थान के भी हो सकते हैं, पंजाब के भी हो सकते हैं, और कहाँ के होंगे गॉड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को। तेलंगाना, नागालैंड, 3 लास्ट देखेंगे वो है आपका, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो यहाँ पे 3 लास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है झारखंड, उड़ीसा एंड लास्ट वन इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके स्टेट्स। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। ठीक है, तो अपने करंट पर्सन को भी ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एन है, ओके, यू, अभी मुझे ऐसा लगा कि लाइक शायद आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है। अभी आप खुद भी कंफ्यूज हो कि ये मेरे क्रश है भी या नहीं, मतलब थोड़े थोड़े अच्छे लगते हैं, थोड़े थोड़े नए भी अच्छे लगते हैं,
ठीक है, तो वो पर्सन ये हो सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन इनके साथ बाउंडिंग हो जाएगी अच्छी। तो हो सकता है हाल फिलहाल में कोई आया है तो वो इंसान हो सकते हैं। डब्लू, वैसे आने की अगर बात की जाए कब तक आ सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को 1 साल भी लग सकता है, 9 मंथ्स भी लग सकते हैं, 10 मंथ्स भी लग सकते हैं, और कुछ लोगों को 10 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, 9 डेज भी लग सकता है, या 1 वीक भी हो सकता है, ठीक है। टी एल के, 3 लास्ट देखेंगे वो है आपका, डी सी, लास्ट वन इज ए। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट नेम भी हो सकता है, सेकेंड नेम भी हो सकता है, ठीक है, लास्ट नेम भी हो सकता है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या है कंट्री। सबसे पहले कंट्री में आपके पर्सन नेपाल के होंगे, ओके, मे बी ये पर्सन स्पेन के हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन, चाइना, अर्जेंटीना, श्रीलंका के हो सकते हैं आपके पर्सन, और देखते हैं कहाँ से होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन। देखिए मे बी ये पर्सन जापान के हो सकते हैं, ठीक है, चांसेस है कि ये पर्सन जापान के हो, और ऑस्ट्रेलिया के भी होने के चांसेस है। देन ये पर्सन जो है यूनाइटेड किंगडम के हो सकते हैं, लास्ट वन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कैनेडा के भी हो सकते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कैनेडा में रहते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी कनाडा में रहते हो। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अभी आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले है गर्लफ्रेंड बाय एवरिल, एंड देन यहाँ पे आपका है आई वॉन्ट टू नो वॉट लव इज़ बाय फॉरनर। देखिए आपके जो पर्सन है ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया हो, ठीक है, तो ये जानना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं कि लव कैसा होता है, प्यार कैसा होता है। आई वॉन्ट यू टू शो मी, आई वॉन्ट फील वॉट लव इज़, ठीक है, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है प्यार, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे सिखाओ, ठीक है, ये चीज़ आपके पर्सन आपको लव लेटर के थ्रू कहना चाहते हैं। आपके यहाँ पे लव लेटर भी हो गए, साथ साथ यहाँ पे आपका ये सॉन्ग भी हो गया, ठीक है, कंट्रीज़ भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपको फैमिली के बीच में मिल सकते हैं, कोई फैमिली का प्रोग्राम हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, तो उस दौरान ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, मे बी ये पर्सन आपको चर्च में भी मिल सकते हैं, ओके, चर्च में भी मिलने के चांसेस हैं, और कहाँ मिलेंगे, गॉड प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपको जिम में मिल सकते हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जिम ट्रेनर हो, ठीक है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे अगर कुछ प्रोफेशन की बात की जाए तो डॉक्टर होने के चांसेस भी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या फिर फोटोग्राफर हो सकते हैं, इनका हो सकता है कि लाइक लकड़ियों का बिजनेस हो, ठीक है, फार्मेसी वगैरह हो सकता है, लाइक इनका हो सकता है कि बहुत सारा फार्म हाउस हो, इनका होटल वगैरह हो सकता है, ठीक है, इंजीनियर हो सकते हैं, डिज़ाइनर हो सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, ये सब मैं यहाँ पे एनर्जी देख पा रही हूँ, और म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, ठीक है, फिशिंग से रिलेटेड या ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड भी इनका कुछ बिजनेस हो सकता है। वर्क प्लेस पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, और देखते हैं कहाँ मिलेंगे, तो ये पर्सन आपको जू में मिल सकते हैं, मे बी ये पर्सन आपको सू शॉप पे मिल सकते हैं, नियर होम, घर के अगल बगल भी मिल सकते हैं, एंड देन यहाँ पे है आपका बेकरी, एंड लास्ट कुछ देखेंगे वो है आपका बस स्टॉप एंड सेमिनार। देखिए अभी आप स्टूडेंट हो, कुछ काम करते हो, वर्क करते हो, जो भी करते हो, स्टूडेंट हो या ना हो, देखिए कहीं भी आप जा रहे हो किसी पर्पस से, अपने प्रोफेशनल लाइफ के पर्पस से, तो उस दौरान भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल लिंक के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग दे सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी रीडिंग दे सकते हैं। किसी के बारे में जानना है, अगर आपके लाइफ में कोई अभी हाल फिलहाल में आए हैं तो आप जानिए, देखिए, मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए, 1000% एक्यूरेट मैसेज मिलता है पर्सनल रीडिंग में। तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, चाहे आप कहीं से भी हो, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पायल टू, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 16 से 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है द एम्परर की एनर्जी को। सो देखते हैं कि आपके लव लाइफ में आने वाले पर्सन कौन है, कैसे हैं, कैसी है इस पर्सन की एनर्जी, कैसी है इस पर्सन की पर्सनालिटी। तो जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, तो ये वो पर्सन है जो कि शायद एक टाइम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर अडिक्टेड थे या परेशान थे, या फिर कभी अडिक्टेड नहीं भी रहे हो तो उनकी हेल्थ शायद बहुत ज़्यादा कभी ना कभी ख़राब रही हो, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज आ चुका है, वो है कि ये पर्सन आपके कौन है पता है, ये पर्सन आपके लवर है, ये पर्सन आपके चाहे कुछ भी कनेक्शन हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो या कुछ भी हो, ये डेफिनेटली आपके क्या है, ट्रू लवर, ठीक है, जो आपसे बहुत ज़्यादा बे इंतहा प्यार करने वाले हैं, ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है। कुछ और भी कार्ड्स मैं यहाँ पे दूंगी एंड उसके साथ साथ आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग भी होगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, जिसके साथ आपकी रिश्ते में बैलेंस नहीं है, ठीक है, और आप दोनों के बीच में ब्यूटीफुल कह सकते हैं कि रिलेशनशिप चलती है आप दोनों की, ठीक है। आप दोनों को अगर रिलेशनशिप को ठीक करना है तो सेल्फ डिस्कवरी करनी होगी, सेल्फ केयर करना होगा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, ईगो को शाइड करना होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आप सभी को बता रही हूँ। एंड देखिए, यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब अलग टाइप का आपका रिश्ता यहाँ पे शुरू होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे? इसलिए क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने के बाद एक परफेक्शन की ओर आप दोनों बढ़ जाएंगे। मतलब मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मतलब जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, आप डिज़र्व करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपके डेस्टिनी में ही लिखा है कि आपको एक ट्विन फ्लेम मिलेगा, क्योंकि आप खुद ही एक ट्विन फ्लेम पार्टनर है, ठीक है, और जब आपको ट्विन फ्लेम आपके मिलेंगे तो आप कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इस पर्सन के प्रोफेशन के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान हो सकते हैं। इनका ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा होटल वगैरह हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कोई होटल में काम करते हो। ये पर्सन जो है लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, फिलोसोफर भी हो सकते हैं, जस्टिस इनको इनका लाइफ पर्पस हो सकता है इनको दिलाना, कि मुझे सभी को जस्टिस दिलाना है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हो सकते हैं, हिस्ट्री भी हो सकता है, इनको हिस्ट्री बहुत पसंद हो, सीईओ हो सकते हैं, या किसी होटल को मैनेज करते हो तो होटल मैनेजर भी हो सकते हैं या मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन होने के थोड़े बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि घर से बैठ के काम करना ये वो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, जैसे बहुत रिच पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, वेल्दी पर्सन, कोई बहुत रिच पर्सन, कोई बहुत वेल्दी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। देखिए, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी जर्नी होती है जिसमें हम गलत कर लेते हैं, या फिर क्या होता है कि हम सही नहीं करते, हम मैच्योर नहीं होते, तो उस चीज़ को सीखना पड़ता है, उसके बाद मैच्योर होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी अपने कुछ एडिक्शन की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से ये पर्सन की हेल्थ अच्छी नहीं रही, बैड हेल्थ रहा,
ठीक है, लेकिन उस बैड हेल्थ से बहुत पहले ही रिकवर कर चुके हैं। और अगर अभी की एनर्जी देखी जाए तो ये पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा एक वेल्दी एंड रिच पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपका कार्ड भी आया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन या फिर एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ज़रूर कीजिएगा। मे बी ये पर्सन एक एक्सप्लोरर भी हो सकते हैं, ट्रांसलेटर भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इन्वायरमेंटलिस्ट भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। एजुकेशन के मामले में ये पर्सन हो सकता है टीचर हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये अपना हो सकता है यूट्यूबर वगैरह हो सकते हैं, टीचिंग करते हो, कोच हो सकते हैं, ठीक है। एजेंट हो सकते हैं, ट्रैवल एजेंट जो होता है, वो सब भी होने की चांसेस मुझे आपके पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोफेशन की तो काफ़ी मैंने बात कर ली, ठीक है। एक ना एक टाइम इनको एक सोशल वर्कर भी बनना है, रेलवे में भी हो सकते हैं ये पर्सन, रियल एस्टेट एजेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, सेफ हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। ये सब यहाँ पे ये दो कार्ड जो है बयां कर रहा है, बता रहा है कि आपके पर्सन का क्या हो सकता है, ठीक है। टीचर लाइक सोशल साइंस टीचर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपके पर्सन की एनर्जी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे ये डिस्कस करता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में कब तक आ सकते हैं। अगर आने की बात की जाए तो ये पर्सन आपके लाइफ में 40 डेज़ के अंदर तो डेफिनेटली आ जाएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको कब मिल सकते हैं? जब इनका थोड़ा सा हो सकता है तबीयत अप डाउन हो या फिर आपका थोड़ा सा हेल्थ अप डाउन हो, तो उस दौरान ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं। दूसरी बात, ये पर्सन खुद डॉक्टर भी हो सकते हैं। अब देखिए, लवर की भी एनर्जी थी पीछे एंड उसके साथ साथ यहाँ पे वेल्दी मैन की भी एनर्जी है। तो एक तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि पैसे भी है इस पर्सन के पास, ताकि अच्छे से आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, जहाँ भी जाना हो जा सके, और आपके साथ साथ मतलब प्यार भी बहुत सारा कर सके। तो देख सकते हो कि इनका रिस्पेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि समाज में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट हो सकता है, बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, कदर करते होंगे, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है ये ज़्यादातर लोगों से मतलब कॉन्टैक्ट उतना नहीं रखते होंगे, इंटरेक्ट करना उनको उतना पसंद नहीं है। ये पर्सन जो है इग्नोर करते हैं लोगों को, और लोग इनको स्टॉक करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इनको मतलब अपनी बात मनवाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन का कुछ ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जो कि लोग इनके आगे पीछे घूम रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। तो ये दो कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके पर्सन एक रिबेलियस पर्सन हो सकते हैं, जिसको चैलेंजेस बहुत पसंद है, हु लव्स चैलेंजेस एंड रिस्क लेना बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। बहुत ही ज़्यादा मतलब एस्थेटिक या एस्थेटिकली ये पर्सन अपने लाइफ को जीना पसंद करते हैं, ठीक है। लाइक हेयर स्टाइल हो गया या लुक्स हो गया, तो बहुत एस्थेटिक इस पर्सन की लाइफ मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं अपने लाइफ में, ठीक है। और ये पर्सन अपने लाइफ में अपने लग्जरी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते होंगे। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नर्चरर होंगे, एक लीडरशिप क्वालिटी तो है ही, ऑर्गेनाइज़र है, पीस मेकर है। मिस्टिक एनर्जी थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है तो हो सकता है मिस्टिक एनर्जी, और पीस मेकर होंगे। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफिस में ये पर्सन हेड हो सकते हैं, तो लोगों के बीच में हौच पौच हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको मेंटेन करना, तो एक बॉस या बॉसी पर्सनालिटी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। और ये अपने काम से छुटकारा पाके थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहते हैं, तो एक्सप्लोरर भी हो सकते हैं। ये वो इंसान है जो कि विजनरी है, जो कि ड्रीम्स, बड़े ड्रीम्स देखते हैं, अपने ड्रीम्स की वैल्यू करते हैं और उसको पूरा करते हैं, एडवेंचर के लिए रेडी रहते हैं, सीखने के लिए एकदम खुश रहते हैं, और सीखने के लिए सीखने वाली चीज़ों से तो इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है। ये पर्सन अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली इनको वो ड्रीम पूरा होते हुए हैप्पीनेस मिले, ये वो चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, रिलेशनशिप आप दोनों का शुरू कैसे होगा, इस पर्सन के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, ठीक है। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आप दोनों के बीच में खट्टा मीठा सा रिलेशनशिप हो सकता है, उस चीज़ के साथ शुरुआत हो सकती है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन को आप बहुत गलत समझ लो, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गलत समझ ले, तो आप दोनों के बीच में जैसे थोड़ी बहुत करवाहट हो गई, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया, तो ऐसा आप दोनों का रिलेशनशिप चलेगा, ठीक है। धीरे 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 परफेक्शन की ओर आप लोग बढ़ेंगे, ठीक है। कभी आप रूठोगे, कभी वो आपको मनाएंगे, कभी वो रूठ जाएंगे तो आपको मनाना पड़ेगा,
ठीक है, तो आप दोनों की शुरुआत अगर ऐसे होगी, आपको लगेगा कि इनको तो मतलब बहुत ही ज़्यादा घमंड है, मतलब इस पर्सन के लाइफ में सब कुछ होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन एक अलग एटीट्यूड में रहते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के बारे में आपको इधर उधर से बहुत उल्टी फुल्टी बातें जानने को मिलेंगी, पर ऐसा नहीं है। आपके पर्सन खुद ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहने वाले इंसान है, इसलिए जल्दी किसी को भाव नहीं देते होंगे और जल्दी किसी से बात भी नहीं करते होंगे। आप हो सकता है पहले नज़र में इनको पसंद कर लोगे, ठीक है, लेकिन जब आप इनसे बात करने जाओगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। लेकिन इनके अंदर एरोगेंस नहीं होगा, ठीक है, इनके अंदर सिंपली जो एरोगेंस आपको लगेगा वो सिंपली एक इनसिक्योरिटी होगी। इनको सारे लोग, बाहर के लोग डेविल लगते होंगे, इनको स्पेशली लव लाइफ में जो आने वाले लोग हैं इनको डेविल लगते होंगे। देखिए आपको भी ये फर्स्ट टाइम में पसंद कर लेंगे, लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये होगा ना कि आपके जो पर्सन है वो डरेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, डरेंगे क्यों, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने लव लाइफ को भी शुरू नहीं करना है, पता नहीं अगर मैं अपने लव लाइफ को शुरू कर दूंगा तो पहले जैसा कुछ हो जाए। तो देखिए आपके जो पर्सन है, सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके करंट पर्सन से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकती है। अगर आप किसी के साथ हो जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहा है रिश्ता, तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस पर्सन के साथ मेरा रिश्ता अच्छा होगा या नहीं। तो मुझे पाइल टू आप सभी के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये करंट पर्सन है, करंट पर्सन की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि आपको लगता है कि वो आपको मिस नहीं करते लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप ही मिस करते हो, तो ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आने वाले हैं। जो भी आप दोनों के बीच में करवाहट रही है वो बैलेंस हो जाएगी, मतलब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप दोनों की रिश्ते की रिकवरी हो जाएगी, आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, आप दोनों एक दूसरे को मतलब डिस्कवरी एंड रिकवरी दोनों की ही एनर्जी है, कार्ड में भी है। तो यस, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, खुद को समझोगे, ठीक है, बैलेंस लेकर आओगे दोनों रिश्ते में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने करंट रिलेशनशिप में हैं उसको ठीक करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मिरेकुलस चेंजेस होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका वैक्स बनना भी शुरू हो चुका है, तो जल्दी से आप सभी लोग क्या हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा लॉर्ड बुद्धा को भी मानते हैं, साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन महादेव को भी बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस इंसान हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ये अपने लाइफ में जैसे कुछ बाउंड्रीज बना के रखे हुए हैं, जैसे फाइनेंशियल बाउंड्रीज, फिज़िकल एंड सेंसुअल बाउंड्रीज, ठीक है, अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना, फैमिलीज़ के साथ भी टाइम स्पेंड करना, ठीक है, और फैमिली के साथ भी थोड़ा बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनकी बहुत सारी एक्स गर्लफ्रेंड या फिर बहुत सारे एक्स बॉयफ्रेंड रहे होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये अपने बाउंड्रीज क्रिएट करके रखे हैं। बाउंड्री क्या है कि नो एक्स, ठीक है, कोई भी एक्स मेरे लाइफ में वापस ना आ पाए, ऐसा ये पर्सन क्रिएट करके माहौल रखे हैं, ठीक है। मतलब जो एक्स हो गए वो तो मतलब कि अब उनके साथ कुछ भी वर्कआउट नहीं कर सकता, तभी तो वो एक्स हुए, नहीं तो साथ रहते ना। तो ये पर्सन का ऐसा थिंकिंग है, इसीलिए पर्सन कभी भी किसी पास्ट के पर्सन को दोबारा मौका नहीं देते अपने लाइफ में, ठीक है, हमेशा सभी के साथ एक स्पिरिचुअल या फिर कह सकते हैं कि बाउंड्री क्रिएट करके रखते हैं। और जो जा चुके हैं इनके लाइफ से इनको धोखा देकर, ठीक है, कुछ भी कारण रहा हो, उसके साथ फिर से पैच अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस पर्सन से पास्ट की चीज़ों को लेकर नहीं लड़ना है, इसलिए क्योंकि अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये कि कोई पास्ट के पर्सन से बात कर रहे हैं, कोई पास्ट की पार्टनर इनके लाइफ में वापस से आ जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है। ये कभी भी किसी पास्ट के पर्सन को इन फ्यूचर इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। आप दोनों के बीच का कैसा कनेक्शन होगा अब यहाँ पे ये मैं बताती हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। यहाँ पे कुछ आपके वैक्स जाने देते हैं पेपर पे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जो भी यहाँ पे एनर्जी है, पावर है, मैसेजेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए कि कैसा होगा फ्यूचर, कैसी होगी शुरुआत। ओके, मैसेजेस मुझे मिल चुका है एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है
देखिए, एक होता है कि फिजिकली केयर करना, ठीक है, तो फिजिकली ये पर्सन आपकी केयर करेंगे। दूसरा केयर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की केयर करोगे, केयर फॉर ईच अदर फीलिंग्स, एक दूसरे की फीलिंग की केयर करोगे, ठीक है, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे बातें किया करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक होता है ना कि लोग जो है छुप छुप कर मतलब कोशिश करते हैं कि अच्छी बातें करें, मीठी मीठी बातें करें, और बड़े बड़े जो फ्यूचर के ड्रीम्स जो पूरा हम करना चाहते हैं साथ मिलकर, वो सब बातें ही नहीं करते। जो हार्ड चीज़ है उस पर बातें ही नहीं करते, और जो हो रहा है उसी में लीन रहते हैं। तो आपके पर्सन वैसे नहीं होंगे। जैसे आप चाहोगे शादी का बात करना, ठीक है, आप देख सकते हो फ्लेम कितना हाई है, तो आप चाहोगे शादी का बात करना, तो यस, ये बड़े बड़े डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे बात करेंगे अपने फ्यूचर का, आप दोनों का जो फ्यूचर होगा उसके बारे में, ठीक है, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे। या फिर कभी भी आप बातें करने की कोशिश करोगे फ्यूचर का ही या किसी भी चीज़ का, तो वो बात करेंगे आपसे, और कनेक्शन तो एक बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन होगा, ठीक है, ये डरेंगे नहीं। जैसे कभी आप इनसे कुछ पास्ट का डिस्कस करोगे, तो ये पास्ट का भी सारा कुछ बता के क्लैरिफाई करेंगे, प्रेजेंट का भी बता के क्लैरिफाई करेंगे कि इनके लाइफ में क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद ये पर्सन फ्यूचर का भी आपको बताएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो फ्यूचर ना, ये फ्यूचर है या नहीं। तो ये पर्सन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि अभी हम साथ में है ना, ये मैटर करता है, फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। ऐसे लोगों के साथ तो रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे तरफ से आपके लिए सजेशन है कि अगर कोई ऐसा आपको बोल रहा है कि फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे, इट मीन्स कि वो आपके साथ अभी टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं, मतलब वो फ्यूचर नहीं देख रहा है। अगर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है, परेशान है, तड़पता है, जो आपको खोने से डरता हो, वो तुरंत आपका हाथ थाम लेगा और तुरंत आपको कमिटमेंट देगा शादी के लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल, तो डीपर लेवल पे आप लोग कनेक्ट होंगे। और देखते हैं मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी यहाँ पे एनर्जी एंड पावरफुल एनर्जी है, जो भी मैसेजेस हैं, मुझे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जैसे होता है ना कि बॉडीगार्ड हो गया, ठीक है, तो वो तो उस पर्सन की उस टाइप की पर्सनैलिटी भी होगी, जिम विम करने वाले होंगे, एंड उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ आप बहुत सेफ फील करेंगे, ठीक है। ये जब आपके अगल बगल होंगे तो आपको बहुत सेफ फील होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैरिज भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि कह सकते हैं कि ये पर्सन कुछ भी बोलने की कोशिश करेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो सोच समझ कर बोलेंगे, ठीक है। कोई रिलेशनशिप किलर एनर्जी नहीं होगी, मतलब ये पर्सन कभी आपको अवॉइड नहीं करेंगे, कभी भी आपका ट्रस्ट जीत के आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये इम्पेशेंट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो मतलब आपसे बहुत सारा डिमांड नहीं करेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये वो चाहिए, समय से पहले जो है कुछ चीज़ों का डिमांड कर लेना, ये सब नहीं होगा, ठीक है। आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में तू मैं तो होगी, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी एक इज्जत के साथ, ठीक है, ये पर्सन आपसे बातें करेंगे। और आपके जो पर्सन है वो प्यार हमेशा करेंगे, एक दूसरे को प्यार बहुत करोगे, झूठ बहुत कम ही बोलोगे, मतलब ये एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस है कि अगर अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल रखना है तो आपको झूठ नहीं बोलना होगा, एक दूसरे को प्यार करना होगा, पैम्पर करना होगा। ये पर्सन हमेशा स्टे रहेंगे स्वीट, स्टे स्वीट, आपको ये भी कहा जा रहा है। मुझे स्पेशली ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि शक कर सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक ओपन कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में भी होगा, ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, अगर ना हो तो उस पर आपको वर्क करना होगा। और देखते हैं क्या है, देखिए अगर कुछ सजेशन की बात की जाए तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कभी भी आप दोनों अपने पास्ट के बारे में नहीं बात कीजिए, मतलब पास्ट के अगर बारे में बात करते हैं तो एक बार में बात के करके ख़त्म कीजिए, और उसके बाद आप दोनों अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ निगेटिव मत बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि इनको खुद निगेटिव बोलना सुनना पसंद नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रेकअप की बात हो गई, ये सब मत कीजिएगा, हमेशा प्रोग्रेस की बात कीजिएगा कि हम दोनों प्रोग्रेस करेंगे, एक ब्यूटीफुल प्रोसेस से गुजर रहे हैं हम दोनों, ठीक है। तो ऐसे आप दोनों बातें कर सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो माइनर जो छोटे मोटे लाइज होंगे वो इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके या हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करके रखना चाहेंगे, ठीक है, चाहे फिजिकल हो या सेक्सुअल हो, वो हमेशा आपके साथ एक ब्यूटीफुल हेल्दी रिलेशनशिप ही बनाकर रखना चाहेंगे।
तो क्या क्या होगा आप दोनों के बीच में? ट्रस्ट होगा, ठीक है, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट होगा, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, और क्या होगा? गॉड प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, पेशेंस बहुत होगा आपके पर्सन के अंदर, पेशेंस बहुत दिखाई दे रहा है, और क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन केयर नहीं दिखाएंगे, ये बहुत ज़्यादा अपना केयर शो करने वाले हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। उसके बाद अप्रिशिएट बहुत करेंगे। देखिए, आप दोनों के बीच में शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से, मतलब अपने लाइफ का कंपैरिजन करोगे, पैसे का कंपैरिजन कर सकते हो कि मेरे पार्टनर के पास तो ये है वो है, मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, तो ये सब धीरे धीरे जो उल्टी फुल्टी बातें हैं, ठीक है, जो भी चीज़ है वो सब इग्नोर करोगे, और जैसे कि आप दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग अलग अलग सोचेंगे, आप लोग क्या सोचेंगे कि हम दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों की लाइफ अलग अलग है। आप उनके फैमिली से, उनके दोस्तों से अपना कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि, या फिर उनकी एक्स होगी या एक्स होंगे तो उनसे अपना कंपैरिजन करके देखोगे कि मैं तो बहुत कम हूँ, जबकि आप सबसे बेस्ट होगे इनके लाइफ के, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हार्डली आप दोनों कम्युनिकेट करेंगे, ये करंट पर्सन का भी हो सकता है। अभी वो सिचुएशन चल रहा है जिसमें आप लोग हार्डली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो आप दोनों के बीच में नो इंटीमेसी है, बहुत इंटीमेसी भी होगी और बहुत सारा कम्युनिकेशन भी आप दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थोड़ा सा इमोशनल विड्रॉल हो जाए, कभी आप स्टोन वॉलिंग करें, कभी आप उनको इरिटेट कर दे, कभी वो आपको इरिटेट कर दे, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग अभी गुजर रहे हैं, तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, हार मानने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, ये मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बताया कि आप दोनों का इम्बैलेंस होगा, ठीक है, रिश्ता, लेकिन धीरे 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 करते करते एक मिराकुलस चेंजेस होगा और चीज़ें बैलेंस होने लगेगी, ठीक है। तो ये तो कैंडल वैक्स के थ्रू आपके लिए मैसेजेस हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए और भी लेना चाहती हूँ और आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रही है, कैसा हो सकता है रिश्ता। ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 कार्ड्स। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैनिफेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू आ रहा है, ठीक है, मैनिफेस्ट करके आपको एक्सेप्ट करना चाह रहा है, अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहा है। यस की एनर्जी है, सभी लोग यस लिख के इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क के दौरान, काम के दौरान, जब आप बिज़ी रहेंगे अपने लाइफ में, उस दौरान ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को आप बहुत ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी को पाने की कोशिश कर रहे हो, वो इंसान भी आपको मिल सकता है। दूसरी बात, कोई ऐसा इंसान जो कि आपके कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाएगा, जो कि आपकी कमज़ोरी को, वीकनेस है उसको स्ट्रांग बनाएगा, आपका स्ट्रेंथ बनाएगा। साथ साथ आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा इक्वालिटी होगी। अगर फ्यूचर की बात की जाए, फ्यूचर में कैसा होगा, तो बहुत इक्वालिटी होगी और बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी होगा। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम ये आपको पुलिस स्टेशन में मिल सकते हैं या पुलिस स्टेशन के अगल बगल मिल सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस स्टेशन में ही मिले, ओके। देन ये पर्सन आपको बेकरी में मिल सकते हैं, ओके, ऑलराइट, ग्रॉसरी शॉप हो गया, वहाँ मिल सकते हैं, जिम में मिल सकते हैं, सिनेमा हॉल, गिफ्ट शॉप, ऑफनेज, बुक शॉप, मे बी ये पर्सन फ्रेंड्स के घर पे आपको मिल सकते हैं, पार्क, पब, फ्रेंड्स होम। देन ये पर्सन आपको मिल सकते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। 3 लास्ट देखेंगे, वो है आपका फूड कोर्ट, बेकरी फिर से है, एंड लास्ट वन इज वाटर पार्क, ओके। किसी भी तरह पार्क हो सकता है, वहाँ मिल सकते हैं। पहले जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक है। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल अनस्टाइडी के थ्रू,
स्किन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है अपनी बुकिंग कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका है हम सफ़र सॉन्ग, आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, सुन मेरे हम सफ़र, ठीक है। एंड देन उसके बाद है बस एक पल, के का सॉन्ग है। देन आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं ओ माही, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं कैलाश खेर का बहुत ही फेमस सॉन्ग तेरी दीवानी, बड़े अच्छे लगते हैं, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इनको अच्छे लगो, स्वीट से लगो। और देखते हैं जुदा होके भी, ऐसा मुझे तो एकदम अब तो एकदम 100% श्योर हो चुका है कि बहुत सारे लोग जो है जुदा हो चुके हैं, इनसे अलग हो चुके हैं, लेकिन डोंट वरी, बहुत ही जल्दी इस पर्सन से आप मिलने वाले हैं। और देखते हैं जुदा है बहुत सारे लोग हैं लेकिन मिल जाओगे, बिन तेरे सुनिधि चौहान, ऐसा हो सकता है कहीं दूर बैठे ये भी बहुत सारे सैड सॉन्ग सुन रहे हो आपकी याद में, ठीक है, लेकिन रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड मैंने रीडिंग डाला है, आप जाके ज़रूर देखिए आपकी शादी किससे होगी वो भी डाला है कल, आप देख सकते हैं। ओके, हमको तुमसे हो गया है प्यार, लास्ट वन इज़ तुझसे नैना लागे, अनवर मूवी का सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन अभी के अभी सुन भी रहे हैं और आपको डेडिकेट भी कर रहे हैं। अब देखते हैं इस पर्सन का प्रोफेशन क्या है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। चीट्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, हैंडमेड चीट्स, एक्साइज इंस्पेक्टर, दैट्स ग्रेट। और देखते हैं योगा इंस्ट्रक्टर, देन ये पर्सन एक हेयर ड्रेसर हो सकते हैं, इनका सैलून हो सकता है, एकेडमी हो सकता है, ठीक है, एयरफोर्स ऑफिसर हो सकते हैं आपके पर्सन। और देखते हैं रीजनल मैनेजर, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी मैनेजर और टेरिटरी मैनेजर, मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं आपके पर्सन। देन आपके पर्सन होंगे कोरियोग्राफर, ओके, देन इनका प्रोफेशन हो सकता है नर्स, उसके बाद आपके पर्सन हो सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, एस्ट्रोलॉजर, एंड लास्ट कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है आपका एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर। डाटा एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड ऑफिस मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हो गए प्रोफेशन। अब मैं आपको बताऊँगी आपके लव लाइफ में जो आने वाले पर्सन हैं उनका लुक्स कैसा है, वो लुक्स वाइज फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है, ठीक है, और नेचर भी। लॉन्ग हेयर होगा इस पर्सन का, बहुत क्लासी हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं स्ट्रेट हेयर, उसके बाद आपके पर्सन का पतला लिप्स, थिन लिप्स हो सकता है, ओके, ऑलिव कलर हो सकता है, रेड हेयर, काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे आपके पर्सन, बिग आईज, हुक्ड नोज। लास्ट कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इस पर्सन का हेयर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, काफ़ी लवली एंड क्यूट होंगे आपके पर्सन, बफ होगी इस पर्सन की एनर्जी, टैन सांवले हो सकते हैं, लास्ट वन इज डार्क आईज इस पर्सन का हो सकता है। जो भी है आपके पर्सन मोस्ट ब्यूटीफुल होंगे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और आप इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है, और पर्सनल के लिए तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इंस्टा आईडी का जनरल लिंक, और जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेट है इस पर्सन का दिल्ली, देन ये पर्सन आपके चंडीगढ़ के होंगे, मिजोरम के होंगे, छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं रायपुर, अरुणाचल प्रदेश के होंगे, मणिपुर के हो सकते हैं, और देखते हैं कहाँ से हो सकते हैं, यूपी, कर्नाटका, कहाँ के होंगे, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, पुडुचेरी, झारखंड,
कुछ लास्ट में आपको बता देती हूँ, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज. नागालैंड दमन एंड दीव, थ्री लास्ट देखेंगे वो है आपका. सबसे पहले है आसाम, वेस्ट बंगाल एंड लास्ट वन इज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स. कहाँ से होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन? गुजरात. ठीक है, गुजरात के हो सकते हैं आपके पर्सन. अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी नेम इनिशियल क्या है इस पर्सन का. सबसे पहले आई हो सकता है, देन यहाँ पे आपके पर्सन का नेम इनिशियल ई हो सकता है, देन यहाँ पे बी हो सकता है, यू के एल वाई डी टी, टू लास्ट देखेंगे वो है आपका ए एंड एस. ठीक है, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए. और अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन का कंट्री कौन सा है. तो कंट्री की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मुझे ऑस्ट्रिया दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम के भी हो सकते हैं. ठीक है, और देखते हैं. डेनमार्क, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज कौन से कंट्री के होंगे. ऑस्ट्रेलिया, फोर लास्ट देखेंगे वो है आपका यूएसए, इंडिया, टू लास्ट कैनेडा एंड लास्ट वन इज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज बांग्लादेश. ठीक है, तो ये सारे जो कंट्रीज हैं आपके पर्सन के हैं, और आपके भी हो सकते हैं, आप भी रहते हो सकते हैं. हाँ ठीक है, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए फ्यूचर के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए, और कांटेक्ट कर लीजिएगा पर्सन रीडिंग के लिए. ठीक है, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती. ओके, सो चलते, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी.